अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड देख चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहे हैं। किसका? क्वेश्चन नंबर सेकंड का, किसमें? प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बच्चों को जनरली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कभी आंसर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने इस क्वेश्चन को केयरफुली कॉन्सेंट्रेट किया तो आपको ये इजी लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। डी इज इक्वल्स टू, हम वैल्यू को पुट आउट करेंगे, 7/3, 5/3, 3/2 एंड 1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमने हर क्वेश्चन में फोर्थ नंबर की वैल्यूज को ऊपर लेके चले गए और थर्ड नंबर की वैल्यू को सेकंड की तरफ लिखे गए। ठीक है, ये एरो को ध्यान में रखिएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2 मिलेगा। अब देखिएगा इसमें इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो यहाँ पर 7 1 7, 3 2 6 माइनस 5 3 जा, देखिए यहाँ पर कट हो सकता है लेकिन हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें डेनोमीटर क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 होगा। जब डेनोमीटर सेम होते हैं तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। तो 7 - 15 इज डिवाइडेड बाय 6, सो योर आंसर इज -8/6। तो देखिए -8/6 में 2 से डिवाइडेशन हो सकता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर -4 × 2 इज डिवाइडेड बाय 2 × 3 लिखता हूँ, 2 2 गेट कैंसल, सो योर आंसर इज -4/3। समझ में आ गया? आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड देख चुके हैं। ओके,